नमस्कार, मैं हूं रहमान और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर इंडिया विद एचवी। फ्रेंड्स, मैं आ पहुंचा हूं नूरपुर के किले में। ये किला कब बना, किसने बनवाया, इस किले की जो पुरानी कहानियां हैं, आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत के इतिहास में बहुत से किले मौजूद हैं। आज आपको हम ऐसे ही किले के बारे में बता रहे हैं जिसका संबंध सीधे श्री कृष्ण और उनकी भक्त मीराबाई के साथ है, साथ साथ में किले का संबंध जहांगीर की बेगम नूर जहान के साथ भी। तो आइए आपको लेकर के चलते हैं हिमाचल के कांगड़ा जिले के खूबसूरत सिटी नूरपुर में। आज हम आपको नूरपुर के फेमस किले की जानकारी देंगे, साथ साथ में बात करेंगे इस किले इतिहास के बारे में और दिल को छू जाने वाली कुछ कहानियों के बारे में। नूरपुर किला हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है और यहां पहुंचने के लिए सबसे नजदीकी बड़ा शहर पठानकोट है। पठानकोट से नूरपुर किले की दूरी लगभग 24 किलोमीटर है। यह दूरी आप टैक्सी या बस द्वारा लगभग 45 मिनट में तय कर सकते हैं। मॉर्निंग का टाइम है, सुबह अराउंड 7 बज रहे हैं और बारिश काफ़ी तेज़ है, जिस वजह से हमें शूट करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। उम्मीद तो है कि मैं शूट को कम्प्लीट कर लूँगा। फ्रेंड्स, आपके लिए काफ़ी मेहनत हो रही है। स्कूटी का ऑयल ख़त्म हो गया था तो जस्ट वो अभी डलवाने के लिए रुके हैं। बारिश स्टिल अभी भी लगी हुई है और लगभग हम 2 से 4 मिनट में पहुंच जाएंगे। फ्रेंड्स, बारिश बंद हो चुकी है और मैं जिस सड़क पे इस समय खड़ा हूँ, ये मेरे बैक साइड में जो आप सड़क देख रहे हैं, ये पठानकोट से है सर। ये पठानकोट या जलंधर से जो सड़क आती है, ये वो है। और अगर आप मेरे इस सामने देखिए फ्रंट में, तो लेफ़्ट साइड में जो सड़क है ये धर्मशाला के लिए चली जाती है और मेरा राइट साइड में जो सड़क है ये नूरपुर फोर्ट के लिए चली जाती है। यहाँ पर ऊपर डायरेक्शंस भी दिए हुए हैं, तो आप इसमें इस डायरेक्शन के हिसाब से अपनी गाड़ी को घुमा सकते हैं, यानी कि आप इन डायरेक्शन के हिसाब से आप चल सकते हैं। नूरपुर किला, जिसे पहले धूलकोट या धमेरी भी कहा जाता था, इसका निर्माण यहां के लोकल पत्थर सैंडस्टोन से 10वीं सदी में पठानिया राजवंश के राजा राजा जसल ने करवाया था। सो फ्रेंड्स, मैंने किले के अंदर एंटर कर लिया है और मेरे बैक साइड में किले का गेट है। इसकी भी अपनी एक कहानी है जो कि मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। फिलहाल गेट से जैसे ही आप एंटर करते हैं तो गेट से आपको तरीके का व्यू जो है वो देखने को मिलता है सोलहवीं शताब्दी में मुगल सम्राट जहांगीर की पत्नी नूर जहान के सम्मान में इसका नाम बदल करके नूरपुर रखा गया। यह किला अपने आर्किटेक्चर और मजबूती के लिए काफी प्रसिद्ध है। मेरे सामने जो आप लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं, ये पहले स्कूल हुआ करता था, बट बिल्डिंग काफ़ी पुरानी थी, तो उसकी जगह एक नया बिल्डिंग और खड़ी की गई है और इधर भी एक बिल्डिंग और खड़ी की गई, इसको भी स्कूल में कन्वर्ट कर दिया गया।
ये जो पुराना किला है इसको स्कूल में कन्वर्ट कर दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से। बताया जाता है कि सन 1672 में मुगल सम्राट जहांगीर की पत्नी नूरजहान जब नूरपुर में पहली बार आई तो उनको ये किला और यहाँ की आबो हवा इतनी पसंद आई कि वो अब नूरपुर में ही रुकना चाहती थी और इस किले का और निर्माण करवाना चाहती थी। बट यहाँ के जो लोकल निवासी थे वो ये नहीं चाहते थे कि मुग़ल यहाँ रहें, तो मुग़लों से लड़ने के बजाय उन्होंने एक माइंड गेम खेला ताकि मुग़ल ये किला छोड़ करके चले जाए। जब नूरपुर के किले में नूरजहान बीमार मजदूरों को काम करते हुए और उनके गले लटकते हुए देखती थी तो उन्होंने इसका कारण पूछा। इस पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाते हुए राजपूत राजाओं ने तर्क दिया कि अगर नूरजहान और उनके अधिकारी अधिक समय तक इस किले में रहते हैं तो इस बीमारी का शिकार देर सवेर होना पड़ सकता है। यह सुनकर के नूरजहान और उनके अधिकारी भय के मारे घबरा गए, क्योंकि नूरजहान को अपने सुंदरता पर बहुत मान था, इसीलिए इस बीमारी का शिकार होने का भय उसे सताने लगा। इसी भय से चिंतित होकर के नूरजहान और उनके अधिकारियों का काफिला नूरपुर का किला छोड़ करके चला गया। नूरपुर राजा बसुदेव के शासनकाल के दौरान 1580 और 1613 के बीच अपने चरम पर पहुंच गया, जिन्होंने इस किले को एक प्रभावशाली किला बनाया और जिसे हम आज भी देख सकते हैं। किले के मुख्य द्वार पर भारतीय कला का बेजोड़ नमूने मौजूद हैं। किले के अंदर कई स्थानों पर अलग अलग टाइप के पत्थरों पर प्राचीन कला का प्रदर्शन किया गया है, जो आज भी अपने और लोगों का ध्यान आकर्षित करती है। मुख्य द्वार को कुछ ऐसा बनाया गया है कि दुश्मन भी उस द्वार को देख करके चकित रह जाएं। दीवारें इतनी मजबूत कि सदियों की मार भी उन्हें झुका नहीं सकती थी। किले के मीनार पर खड़े होकर के राजा अपने राज्य को देखा करते थे कि राज्य में सब ठीक है या नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो राजा तुरंत एक्शन लिया करते थे। लेकिन दोस्तों, हर निर्माण की तरह इस किले ने भी समय की थपेड़ों को सहा। भूकंप और आंधियों ने इसकी दीवारों को हिलाया, पर यह किला अडिग खड़ा रहा। कुछ हिस्से टूटे, कुछ बिखरे, पर इसकी आत्मा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका। आप जब भी इस किले के अंदर कदम रखते हैं तो महसूस करते हैं उन कहानियों को जो यहाँ के पत्थरों में बसती है। यहाँ की हवा में बसी है वीरता की खुशबू, यहाँ की मिट्टी में छुपी है इतिहास की धड़कन। ये किला न केवल पत्थरों का ढांचा है बल्कि हमारी विरासत का एक अनमोल हिस्सा है। सो मेरे पीछे जो पीछे आप पहाड़ देख रहे हैं, ये सारे पहाड़ शिवालिक की रेंज के हैं। ये पहाड़ श्रीनगर से कश्मीर से शुरू होते हैं और सिक्किम तक जाते हैं। तो ये जो किला है शिवालिक के पहाड़ों के बीच में बना हुआ है और काफ़ी हाइट पे, आप अगर देखें तो काफ़ी हाइट पे। इसके आसपास जो है गहराई ही गहराई है। अगर घूमने के लिए कहीं जा रहे हैं तो सिर्फ ये मत सोचिए कि सिर्फ वो जगह देखने के लिए जाना है। हिस्ट्री में बहुत कुछ छुपा है जो आपको ये एहसास कराएगी कि इंडिया जो है किसी टाइम पे सोने की चिड़िया जो कहलाती थी, क्यों कहलाती थी। मेरे पीछे जो आप पहाड़ियाँ देख रहे हैं ना, ये एक तरीके का बॉर्डर है किले का। इस बॉर्डर की भी अपनी एक कहानी है। राजा भीर सिंह को थ्रेट्स आते थे, धमकियां आती थी बॉर्डर के सिखों से, अंग्रेज़ों से, गोरखा से। 10 साल तक वो थ्रेट्स झेलते रहे और 10वें साल वो हार गए राजा रंजीत सिंह जी से।
10 साल बाद राजा भीर सिंह ने फिर से राजा रणजीत सिंह जी से लड़ाई लड़ी और ये किले को जीता। लेकिन ये जो गेट आप देख रहे हैं ना, इस गेट पर उनकी मृत्यु हुई थी। आज अगर इस किले को देखें तो इस किले का सिर्फ इतना सा ही हिस्सा, मेन हिस्सा है इस फोर्ट का, क्योंकि इस किले ने बहुत कुछ देखा है। अंग्रेज़ों ने इसको बर्बाद किया, जो अर्थ क्यू क्विक आया था 1905 में, उसने इसको बर्बाद किया और लगभग इसने 15 से 20 लड़ाइयाँ जो हैं वो झेली हैं, तो काफ़ी नुकसान हुआ है किले को। इस वजह से आज किले की हालत ये है। तो दोस्तों, ये बात थी इस किले के बारे में। अब बात करते हैं इस किले के दूसरे पहलू के बारे में। किले की एक और खासियत है यहाँ का मंदिर, जो कि काफ़ी प्राचीन है। इस मंदिर का निर्माण 16वीं सदी में करवाया गया था। बेसिकली ये मंदिर कृष्ण जी को अर्पित है। तो चलिए इस मंदिर में चलते हैं। तो भाई ने कहा है कि वो जो सामने रास्ता है वो थोड़ा सा कच्चा है, तो उस रास्ते से भी नहीं जा सकते। तो ये हमारे जो पीछे किले की बिल्डिंग है, हम इसमें से निकलते हुए जाएँ। तो चलिए, कभी हम किले के अंदर गए नहीं ऐसे, हम देखते हैं। किले के अंदर भगवान कृष्ण का एक ब्रज राज स्वामी मंदिर 16वीं सेंचुरी में बनाया गया था। इस मंदिर में कृष्ण भगवान और उनकी भक्त मीराबाई की पूजा की जाती है। काले संगमरमर की श्री कृष्ण की मूर्ति के साथ अष्ट धातु से बनी मीराबाई की मूर्ति भी यहाँ विराजमान है। ये पूरे विश्व में एकमात्र मंदिर ऐसा है जहाँ कृष्ण के साथ राधा नहीं बल्कि मीराबाई विराजमान है। मीराबाई जो राजस्थानी परिवार में जन्मी थी, मीराबाई की भगवान कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम और भक्ति पूरे विश्व में विख्यात थी। बचपन से ही मीराबाई का जीवन कृष्ण के भक्ति में डूबा हुआ था। वे अपने आराध्य के प्रेम में लीन रहती और हर समय उनका गुणगान करती थी। अभी हम लोग हैं किले के प्रांगण में। ये मेरे पीछे जो पूरा एरिया अगर आप देख रहे हैं ना, तो एक तो ये किला है, ये मंदिर है, एक काली माँ का मंदिर है, और यहाँ पर ये जो पुरानी बिल्डिंग दिख रही है आपको, ये भी एक टाइम का मंदिर हुआ करता था। एक मंदिर और है जिसकी मैंने पहले आपको बात की थी, राधा कृष्ण जी की। तो राधा कृष्ण जी का मंदिर जो है वो सामने है। हम मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये है कृष्ण जी का मंदिर, जो कि मंदिर प्रांगण में ही है नूरपुर के किले में। तो आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या कहते हैं। मंदिर के साइड वॉल्स पर श्री कृष्ण के अलग अलग लीलाओं का चित्रण आप इजीली देख सकते हैं। चार सौ साल 1619 में इनकी स्थापना हुई थी यहाँ पे। मंदिर का निर्माण तभी हुआ था।
नहीं, मंदिर तो बाहर था इनका ना। अच्छा अभी जाती बार आप देखना, आपके लेफ्ट हैंड में कुआं आएगा, कुआं के साथ एक बिल्डिंग है बड़ी सी मोटी सी, वो टूटी हुई है, वो था इनका मंदिर। चित्रकला है हाँ जिसके ऊपर हाँ बनी हुई है। वो था इनका मंदिर। वो जब अच्छा मुगलों ने अटैक किया था ना हाँ महल पर, तो उनके अटैक के टाइम पे राजा जी ने इनको हमारे यहाँ एक पानी का झरना है वहाँ छिपा लिया था। अच्छा तो जब मुगलों ने आक्रमण किया तो ये तो वहाँ मिले नहीं, मगर इनका जो मंदिर था वो तोड़ दिया था उन्होंने। फिर जब मुगल वापस चले गए तो राजा जी को इनके फिर से दर्शन हुए थे कि मुझे यहाँ छिपा कर रखा है पानी में, वहाँ से वापस लेके आओ। फ्रेंड्स, नूरपुर किले की सुरक्षा और संरक्षण के लिए कई कदम उठाए गए। यहाँ 24 घंटे सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई ताकि किले की ऐतिहासिक धरोहर को नुकसान ना पहुँचाया जा सके। साथ ही पुरातत्व विभाग के द्वारा नियमित रूप से किले की रिनोवेशन का काम भी कराया जाता है। इतिहास की मार झेलने वाला ये किला अपने आप में वाकई अद्वितीय है, अमेजिंग है, इसकी कोई तुलना नहीं है। आप सिर्फ कल्पना भर कर सकते हैं यहाँ पर आकर के, यहाँ पर क्या चीज़ थी क्या नहीं। यहाँ के मंदिर तोड़ दिए गए, यहाँ के कमरे, पूरा किला तोड़ दिया गया, लेकिन आज भी ये जगह अगर आप यहाँ पर आते हैं तो चीख चीख के अपनी कहानियाँ बताएगा। आपको खुद महसूस होगा यहाँ पर आकर के कि इस किले ने कितनी इतिहास की मार झेली है। इसी के साथ मैं वीडियो को करता हूँ ख़त्म। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो कमेंट ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। फिर से हम लोग रास्ते में रुके हैं ये एक नज़ारेदार व्यू को देखने के लिए। आप मेरे पीछे से देख सकते हैं ये झरने को, काफ़ी खूबसूरत झरना है। पठानकोट से हिमाचल के रास्ते में ऐसे नज़ारे आपको बहुत देखने को मिलेंगे। ਮੋਲ ਸ਼ਰੀ ਦਾ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਮੋਲ ਸ਼ਰੀ ਦਾ ਬ੍ਰਿਕਸ਼।